मैं नेहा चौधरी नए यम्मी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बनाते हैं। इसके लिए एक कटोरी उड़द दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दी थी। इसका पानी अच्छे से निकाल कर इसे पीस लेते हैं। इसका पेस्ट हल्का दरदरा रहना चाहिए। इसे 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इससे ये फूल जाएगा और दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। बैटर को ना ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज्यादा पतला, मीडियम रखना है। बैटर अगर पानी के ऊपर तैर रहा है तो बैटर अच्छे से बन के तैयार है। अगर बैटर आपका पानी के ऊपर नहीं तैर रहा है तो उसको कुछ देर तक और एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिक्स करना है। इसके लिए 1/2 चम्मच साबुत गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक ली हूँ। इन सबको बैटर में मिक्स कर लेंगे। तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, हाथ में हल्का सा पानी लगा लेंगे, उसके बाद से बैटर को तेल में डालेंगे। तलते टाइम फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट बना है। 30 मिनट के लिए गुनगुने पानी में डाल देंगे। ढककर रख देंगे। इसको हल्का से दबाकर पानी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं दही बड़े के सर्विंग के लिए क्या क्या चाहिए। दही में 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके लिए हरी चटनी, इमली की चटनी, दही, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक लिए हैं।
सॉफ्ट दही बड़े बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके दही बड़े कैसे बने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी मेरी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।